किसी स्टेज पर ना आज, किसी स्टेज पर एक्सेप्ट फॉर वो अक्षर और राहुल की साझेदारी में, किसी स्टेज पर इंडिया लड़ता नहीं दिखा ऊपर। दिक्कत यह है इंडिया लड़ता ही नहीं दिखा यार, कि लड़ते हैं। मैं आता हूं, मैं खाता हूं बॉल, मैं बीट होता हूं। श्रेयस अय्यर, मैं बीट नहीं होऊंगा, मैं तो आउट ही होऊंगा। शुभमन गिल दूसरी बॉल, आप उठा के देखो, मतलब आज तो इट इज एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया। पहली बार इंडिया में कोई टेस्ट मैच आ रहा है 100 से ज्यादा रन की लीड, आपने 190 की लीड ली, 190 तो कप्तानी पर तो सवाल आएगा, बिकॉज आपने 420 बनवाए। वो आपने आप क्या फील्ड लेके चल रहे हैं, आप क्या प्लान लेके चल रहे हैं, आपकी बॉलिंग क्या है। देखो 231 जब इंडिया चेज करने आया, हम जो मर्जी उस वी वर ट्राइंग टू बी ब्रेव, कल भी बोल रहे अरे कुछ नहीं हम चेज कर देंगे, भाई 231 रन आसान नहीं होती। 28 रनों से इंग्लैंड ने भारत को पहले टेस्ट मैच में हरा दिया है। जिस तरीके से भारत को यह मैच जीतना चाहिए है, जिस तरीके से हमारे बल्लेबाज फ्लॉप हुए, जब कोई मुश्किल कंडीशन आती है तो हमारे बल्लेबाज को हाथ पांव फूलने लगते हैं। आप अय्यर के उठा के देख ले तो जीरो पर, सुमन गिल को आप उठा के देख ले, रोहित शर्मा को हटा दे तो कोई भी प्लेयर हमारे 25 रन नहीं बना पाए। इस पर विक्रांत गुप्ता का लेटेस्ट न्यू वीडियो आया है, तो आइएगा सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को वॉच। ये हकीकत है, मुझे मैं भी बैटिंग देख रहा था, मुझे लग रहा था जब 231, मैंने कहा रोहित शर्मा पे गेम आ जाएगी, अगर वो लंबी रन बना देंगे इंडिया जीत जाएगा, अगर वो रोहित शर्मा आउट हो गए इंडिया मैच नहीं जीत सकता। यशस्वी जायसवाल फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में जमीन आसमान का फर्क, कोप और हार्टली जैसे में दिखे, ठीक है जी। शुभमन गिल तो वहां पहुंच गए जहां पर सीरियसली, हालांकि हो सकता है टीम मैनेजमेंट को एक और मौका दे, बट सीरियसली मतलब शुभमन गिल को देख के ये लग रहा है कि यार आपको अगला मैच बदलना पड़ेगा। फिर केएल राहुल ने तो चलो खड़े रहे, वो आउट हो गए जोरू से। श्रेयस अय्यर, अब जहां शुभमन गिल को हम बात करते हैं वहीं पर एक श्रेयस अय्यर भी है। आपको एक तो 231 तक पहुंचाना नहीं चाहिए था, आपने 163 पे 5 आउट किए उनके, पहुंचे कैसे 231 तक, 163 फॉर 5, 420 रन बनाए कैसे राहुल, 163 फॉर 5 हार्टली, और उन्होंने बनाए हार्टली बैटिंग कर रहे सर, आके विकेट ले गए हार्टली, आपके स्टार बन गए। विकेटों से इंडिया में 257 रन खाए हैं चौथे दिन एट रन अ बॉल। आज भी आपने 100 रन खा लिए ना, आज आपने 100 रन खा लिया आज। सो द पॉइंट इज कि आप किसी भी स्टेज पर इंडिया इस, पता नहीं जो हमें भी लगा, हमारा भी वही हाल है, कुछ और भी फैंस होंगे, कि हम ग्राउंड में जाएंगे हम जीत जाएंगे। हम इंग्लैंड को कह रहे थे यार क्या मजाक है यार, 3 दिन यहां पे हो, तुम्हें तो ये नहीं पता सूरज कहां से निकल रहा है, तुम्हारे पास तो फलाना नहीं है, तुम्हारे पास तो ढिमकाना नहीं है, चुप करो तुम, बहाने बनाते हो, बशीर को वीजा नहीं मिला, अरे बताओ यार चार स्पिनर खिला के क्या ये कर रहे हो, वो हमें चप्पू लगा गए, बैस बॉल कर दिया उन्होंने, वो तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आ गई बिकॉज ये अश्विन और भारत की पार्टनरशिप हो गई और एंड में ये थोड़ा बुमराह और सिराज ने, बट किसी स्टेज पर ना आज, किसी स्टेज पर एक्सेप्ट फॉर वो अक्षर और राहुल की साझेदारी में, किसी स्टेज पर इंडिया लड़ता नहीं दिखा ऊपर। दिक्कत यह है इंडिया लड़ता ही नहीं दिखा यार, कि लड़ते हैं, मैं आता हूं, मैं खाता हूं बॉल, मैं बीट होता हूं। श्रेयस अय्यर, मैं बीट नहीं होऊंगा, मैं तो आउट ही होऊंगा। शुभमन गिल दूसरी बॉल, आप उठा के देखो, मतलब आज तो इट इज एम्बैरेसिंग फॉर, मतलब आपने सेकंड इनिंग में इंडियन पिच पे 102 ओवरों में उनसे 420 रन खाए, जो स्लो विकेट है, हाँ जी, जिसमें शॉट, मतलब आपने मतलब सब कुछ उसमें देख लिया, आपके बॉलर्स आपके स्पिनर्स। सी ये दिक्कत है राहुल, चेन्नई टेस्ट मैच इसी टीम के साथ आज से 4 साल पहले अच्छी विकेट पे आपने उनको 2.25 दिन बैटिंग करने दी थी। सो प्रॉब्लम इज, और ये आप देखिए, आपको गड्ढे ही चाहिए बॉल डालने के लिए, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नो डाउट अबाउट दैट, बट आपको गड्ढे चाहिए, तो गड्ढे जहां पे नहीं होते यू टेन टू ओवर एक्सपेरिमेंट। भाई आपके पास प्लान बी होता है ना, आप अच्छी विकेट पे अगर बॉल डाल रहे हैं, स्लो टर्नर है, तो आप एक एंड पकड़ लेते हैं, कम से कम रन रोकते हैं। इंडिया ने तो वो भी नहीं किया। और जहां आपने रोहित की बात की, बेन स्टोक्स वर्सेस रोहित शर्मा, भाई पहले दिन तो बेन स्टोक्स को बहुत बड़ी लीड मिल गई है, एंड अगर आप दूसरी इनिंग से मैच हारते हो 190 रन, इंडिया पहली बार इंडिया में कोई टेस्ट मैच आ रहा है 100 से ज्यादा रन की लीड, आपने 190 की लीड ली, 190 तो कप्तानी पर तो सवाल आएगा, बिकॉज आपने 420 बनवाए, वो आपने
आप क्या फील्ड लेके चल रहे हैं, आप क्या प्लान लेके चल रहे हैं, आपकी बॉलिंग क्या है। देखो 231 जब इंडिया चेज करने आया, हम जो मर्जी उस वी वर ट्राइंग टू बी ब्रेव, कल भी बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं हम चेज कर देंगे, भाई 231 रन आसान नहीं होती। आज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल दो बॉल, वो तो जज भी क्या करें, हम दैट मींस कॉन्फिडेंस ही नहीं। उसमें भी सर हुए ना जो कप्तान और श्रेयस अय्यर, हाँ बिन पानी के मछली की तरह। और बाय द वे, क्या रोहित शर्मा के कारण टीम इंडिया हारी, या हमारी बैटिंग के कारण हारी, या हमारी बॉलिंग के कारण हारी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।